दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट दोनों ही है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को MOS एग्जाम के टिप्स, यानी कि MOS एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल पर आप लोग बेसिक या एडवांस या किसी भी तरह का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप ये एग्जाम कैसे दे सकते हैं और इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है, सारी बातें आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो सर्टिपोर्ट से रिलेटेड है, यानी उससे रिलेटेड है, बट याद रखिए ये जो वीडियो मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, इस वीडियो में जो बता रहा हूँ अभी तो ये फिलहाल कंटेंट चल रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इसमें चेंजेस आ जाए। तो बेसिकली ये आज के टाइम का है सिनेरियो, अगर फ्यूचर में कोई चेंज आता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों देखिए आज जो मैं बात करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट के 365 और 2019 के एग्जाम ट्यूटोरियल्स की बात करूंगा, यानी अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो एग्ज़ाम है अगर आपको देना है और आप इसमें परेशान हो रहे हैं कि भाई ये एग्ज़ाम कैसे होगा, किस तरह से होगा, इसे कैसे दिया जाएगा, तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कंप्लीट, और आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को अपीयर करना है, इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और उसे कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये आज आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को फॉलो करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जाम है उसका एक डैशबोर्ड होता है, एग्जाम का जो इंटरफेस है, जब आप एग्जाम लॉगिन करते हैं और आप एक बार वाउचर डाल देते हैं, एंटर कर देते हैं, तो आपके पास एग्जाम का कुछ प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर एक्सेल फाइल रहेगी और नीचे आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, उसके साथ साथ आपको समरी और सारी डिटेल्स नीचे दी जाएंगी, यानी आपका जो पूरा का पूरा एरिया है ना आपकी स्क्रीन का, वो कवर अप होगा इस तरीके से। ओके, आपका ऊपर वाला पार्ट जो है वो एक्सेल वाला पार्ट रहेगा, नीचे वाले पार्ट में आप लोगों को क्वेश्चंस मिल जाएगा, साथ में समरी और टाइमिंग चल रहा होगा, रिस्टार्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन, सबमिट प्रोजेक्ट का ऑप्शन, काफ़ी सारे ऑप्शंस यहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए एक एक करके सारी चीज़ें समझते हैं और देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर है प्रोजेक्ट फाइल, आप लोगों को सबसे पहले प्रोजेक्ट फाइल मिल जाती है, दूसरा आपको स्प्लिट बार मिल जाता है, स्प्लिट बार जो इन दोनों को आपस में अलग करता है, वो एक आप लोगों को बार दिख रहा है नीचे, देखिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जाम पैनल दिख जाएगा जो कि थर्ड पॉइंट है यहाँ पर। तो एग्जाम पैनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप जब वर्क करेंगे तो यहां से क्वेश्चंस रीड आउट करके आप लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ओके, लेकिन अभी इन तीन बातों से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला, आपको और भी चीजें जाननी जरूरी है जब आप एग्जाम फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो कि आपको समझने हैं, एग्जाम के जो टास्क होते हैं वो किस तरह से आते हैं और कैसे उन्हें परफॉर्म करना होता है। सबसे पहली बात करें कि इस एग्जाम में 5 से 8 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और हर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को करीबन 1 से लेकर 7 तक टास्क मिल सकते हैं। ओके, हो सकता है आपको 3 टास्क भी दे दिए जाए, हो सकता है 4 भी, हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मैं आपको बताऊं तो आपको 7 टास्क दिए जाएंगे और प्रोजेक्ट का जो साइज है वो 5 से लेकर 8 प्रोजेक्ट तक हो सकते हैं। तो दोस्तों अब सेकेंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम पैनल है जो डिस्प्ले करता है आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, उसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस करनी होंगी और वो फॉर्मेटिंग कन्वेंशन जो है रिलेटेड टू फाइल नेम, फोल्डर के नाम से रिलेटेड, सेटिंग से रिलेटेड हो सकती है। उसके अलावा एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट इन द प्रोजेक्ट, जो आपके पहले से टेक्स्ट लिखे हुए हैं उस प्रोजेक्ट में, उस पर भी कोई सवाल हो सकता है टास्क के अंदर पूछा जाए, और ये भी हो सकता है कि जो आपको कोई नया टेक्स्ट एंटर करने को बोला जाए और कहा जाए कि भाई अगर ये हो तो ये लाइए, येस और नो में आंसर, इफ लगाकर आप लोग को येस और नो में आंसर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप लोग समझ लीजिए। ओके, साथ ही अगर आपको कोई टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करने को बोला जाए तो वो भी आपको क्लिपबोर्ड से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा जहाँ पर कोई टेक्स्ट अंडरलाइन होना, यानी क्वेश्चन के अंदर अगर बढ़ है उसे आप कॉपी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, उस पर बस क्लिक करना है। ओके, वो कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद बात करें, यू कैन मार्क ईच टास्क, और जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो जाता है आप उस टास्क को मार्क करेंगे, मार्क एज कंप्लीट, क्योंकि उस पर एक ऑप्शन आता है, अभी आपने देखा था उसमें एक ऑप्शन आता है दैट इज मार्क एज कंप्लीट का, तो मार्क एज कंप्लीट आपको कर देना है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्हेन यू गो टू द न्यू टास्क और प्रोजेक्ट द एग्जाम इंजन सेव योर चेंजेस। ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे टास्क में, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला टास्क है वो पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें, आपका जो एग्जाम है जैसे ही आप सारे टास्क को कंप्लीट कर देते हैं और तब आपको प्रोजेक्ट को सबमिट करना होगा और उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा। गॉट इट? अब जैसे ही आपका सारा काम हो जाता है
आपको फाइनल प्रोजेक्ट यानी फाइनल समरी चेक करनी होगी। ओके, जैसे आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है आप फाइनल समरी चेक कर सकते हैं और उसमें जो जो टास्क आपके पेंडिंग हैं, छूटे हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। गॉट इट। उसके अलावा आप रिविज टास्क दोबारा से, किसी टास्क को आप पूरा नहीं कर पाए तो उस टास्क को दोबारा से पूरा कर सकते हैं और उनमें कोई चेंजेस कर सकते हैं जब तक आपका एग्जाम टाइम खत्म नहीं हो जाता। आफ्टर यू फिनिश द एग्जाम आपको फीडबैक भी देने का ऑप्शन मिल जाता है, आप फीडबैक भी दे सकते हैं, वहां पर एक ऑप्शन आपको दिया जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ एग्जाम पैनल कंट्रोल्स की जो कि आपको चलाने आने चाहिए जब आप लोग एग्जाम दे रहे हो। अगर ये नहीं चलाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो एक्सेल की फाइल है उसमें जब आप कुछ सेटिंग्स खोलते हैं तो सेटिंग्स पूरी स्क्रीन ना होने की वजह से दिखाई नहीं देती, या ओके का बटन नहीं दिखाई देता, या कुछ भी आपको नहीं शो होता, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो याद रखिएगा इन एग्जाम कंट्रोल पैनल को आपको समझना पड़ेगा, तो ध्यान रखिए ये पैनल बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप देखिए यहां पर आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, यहां पर आप लोगों को टाइमिंग चलता हुआ दिखाई देगा। उसी टाइम के अंदर आपको ये सातों प्रोजेक्ट, जितने भी प्रोजेक्ट आपको दिए जाएंगे वो सारे करने हैं और टाइमर चल रहा होगा। साथ ही आपको यहां पर जब आप उस टास्क को करते हैं तो आपको जैसे ही आप मार्क कंप्लीट करेंगे तो टिक साइन बना हुआ आ जाएगा। अगर मान लीजिए आप उस टास्क को पेंडिंग रखते हैं यानी अभी आप रिव्यू बाद में करेंगे तो आप उस पर इस तरह का साइन लगा देंगे। लगाना कैसे है, बस आपको मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला साइन आपको आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको कोई फीडबैक देना है उससे रिलेटेड तो आप मार्क फॉर फीडबैक पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों बेसिकली पहले और दूसरे पॉइंट का आप इस्तेमाल ज़्यादा करने वाले जो कि मार्क कंप्लीटेड है और मार्क फॉर रिव्यू है। ओके, बात करते हैं आगे वाले पॉइंट की। तो चलिए दोस्तों यहां पर अब बात आती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो क्या है, वो ये है कि जब आपका एग्जाम फिनिश हो जाएगा अपने आप ही अगर आप लोगों का टाइमर बंद हो जाता है, यानी टाइम खत्म होते ही ऑटोमेटिकली ये सबमिट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो आपको सामने दिखने शुरू हो जाएगा। चेंज योर आंसर्स आफ्टर यू फिनिश द एग्जाम। आप फिनिश करने के बाद एग्जाम को आंसर को चेंज नहीं कर सकते, तुरंत ही आपका जो रिपोर्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर सकते हैं, क्लोजेस एंड रीओपन द करेंट प्रोजेक्ट विदाउट सेविंग योर चेंजेस कर सकते हैं, और सबमिट प्रोजेक्ट करने के बाद आप सेव योर चेंजेस एंड मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, सबमिट कर दीजिए ताकि आप दूसरे प्रोजेक्ट पर मूव कर सके। ओके, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों का, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि आपको कोई पैनल है पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, या आपको ओके का बटन नहीं दिखाई दे रहा, कोई सेटिंग आपने खोल रखी है आपको वो बटन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहां पर इस बटन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस पैनल को नीचे कर सकते हैं, जो आपका एग्जाम पैनल वाला ऑप्शन है उसे आप नीचे कर सकते हैं ताकि आप अपने पूरी एक्सेल शीट को देख पाएं। ओके, और मान लीजिए अगर आपको किसी प्रोजेक्ट को रीस्टोर करना है तो आप यहां पर रीस्टोर बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं, और अपने अगले टास्क पर जाने के लिए आपको ये एरो की दिखाई देंगे, इनसे आप हर एक टास्क पर मूव कर सकते हैं। ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा 1, 2, 3, 4, आप लोग राइट क्लिक करके या लेफ्ट क्लिक करके जो है यहाँ पर इस राइट बटन पर या लेफ्ट बटन पर क्लिक करके, दोनों बटन पर क्लिक करके आप राइट और लेफ्ट कर सकते हैं अपने टास्क पर। उसके अलावा आपको कुछ सेटिंग्स दी जाती हैं यहाँ पर, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल माइनस, कंट्रोल जीरो, ये जूम करने के लिए होता है। अगर आपको कुछ जूम करना हो, कोई टास्क आपको कम दिखाई दे रहा हो या छोटा दिखाई दे रहा हो, तो मैग्नीफायर के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट यूज़ दिस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम यूज़ करते करते आप बटन कोई और प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, इसलिए सेटिंग्स का सावधानी से इस्तेमाल करें। ओके, चलिए बात करते हैं अगले ऑप्शंस की। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप टिक करते हैं तो मार्क कंप्लीटेड होता है, अगर आपको फ्लैग मिलेगा तो मार्क फॉर रिव्यू, यानी आप लास्ट में जाकर उसे रिव्यू कर सकते हैं, और अगर आप फीडबैक डालना चाहते हैं तो फीडबैक भी लास्ट में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं उसके अलावा आपका फाइनल पार्ट, दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट एग्जाम की टिप्स, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले सारी की सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, जो भी आपके सिस्टम में होंगी वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर कर देगा। ठीक है, आपके सिस्टम में जो भी सेटिंग हुई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके सिस्टम में वो वर्जन होना चाहिए, जैसे कि 2019 या 365 वर्जन होना चाहिए, और वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने आप ही चेंज कर देगा जैसे उसे चाहिए होंगी। उसके अलावा आपको यहाँ पर फाइनल चेंज करना है फाइल्स में, आप कर सकते हैं किसी भी टाइम, और यू मे यूज़ एनी वैलिड मैथड टू कम्प्लीट द टास्क। कोई भी
वैलिड तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, इनवैलिड वे यूज़ मत करिएगा, समझ लीजिए ओके। इसके अलावा आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट दिखता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप उसे कॉपी क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को डायलॉग बॉक्स को चेंज करने का, कोई चेंजेस करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं सेटिंग्स को, ये भी मिल जाएगा ऑप्शन आपको। और आपको यहाँ पर ड्यूरिंग द एग्ज़ाम फाइल आर पासवर्ड प्रोटेक्टेड, एग्ज़ाम के टाइम पर जो फाइल्स होती हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं और वो कमांड डिसेबल होगी, नॉट नेसेसरी टू यूज़ अ कंप्लीट एग्ज़ाम। यस, ध्यान रखिएगा आपको जब तक बोला ना जाए तब तक आप इन सेटिंग्स को ना छेड़ें ओके। तो याद रखिएगा जब भी आप ये कर रहे हो तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हैं और इन पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं करनी है जब तक आपको कहा ना जाए ओके। टू चेंज द हाइट ऑफ द एग्ज़ाम पैनल, आप चेंज कर सकते हैं उसे, कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एग्ज़ाम सेव्स द फाइल व्हेन यू गो टू द अनदर टास्क, एक जो टास्क है कंप्लीट होने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा का पूरा सेव हो जाता है और आप अनदर टास्क पे जाएंगे तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा ओके। उसके बाद कुछ टिप्स, एक्सेल के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो एक्सेल के एग्ज़ाम में कुछ टिप्स हैं। एक दोस्तों अगली टिप ये है कि मान लीजिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसको आपको ड्रैग करना है, तो ड्रैग कर्सर का इस्तेमाल तभी किया जाता है जनरली जब आपको बोला जाता है। बट इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होगा, जब आप मान लीजिए एक सेल में फॉर्मूला लगा रहे हैं, इफ का फॉर्मूला आपने लगाया है एक सेल के अंदर, तो आप यहां पर ड्रैग का ऑप्शन यूज कर सकते हैं और आप यहां ड्रैग करके बाकी का जो डेटा है वो फिल आउट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ शीट्स लॉक होंगी जैसे कि मैंने आपको बताया, और लॉक सेल्स को जो है रेफरेंस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए A1 आपका सेल है ओके। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई माइक्रोसॉफ्ट एग्जाम जब आप दे रहे हो MOS का एग्जाम और एक्सेल का एग्जाम, तो उसमें ये टिप्स आपको फॉलो करनी है। ये टिप्स अभी की हैं, ध्यान रखिए हो सकता है फ्यूचर में ये टिप्स बदल जाएं, बट अगर आप आज ये एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं फॉर द एक्सेल बेसिक एग्जाम एंड एक्सेल एक्सपर्ट एग्जाम ओके। तो ध्यान रखिएगा ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन टिप्स से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को वो नॉलेज मिल सके, वो इन्फॉर्मेशन मिल सके जो भी एक MOS के एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे हैं और उन्हें ये एग्ज़ाम देना है ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए। जय हिंद।